उसे लगा कि अगर ये मेरे साथ रहे तो मेरा मन बहल जाएगा, और उसे लगा कि अगर इस चिड़िया को मैं अपने घर में ही पिंजरे में रख लूं तो मैं इसके रंगों को, मैं इसके फुदकने को देखता रहूंगा और मेरा टाइम पास हो जाएगा, काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसने उस चिड़िया को पकड़ना चाहा, लेकिन चिड़िया उसके पास नहीं आना चाहती थी। उसने चिड़िया को लालच भी दिया कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा सोना है, तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बना के रखूंगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने चिड़िया ने उसके पास रहने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। ठीक है, फिर भी वो उसको तरह तरह के लालच दिए जा रहा था कि वो उसके पास रुक जाए, लेकिन चिड़िया किसी तरह अपने को बचाकर, अपने को वहां से पीछा छुड़ाकर अपनी माँ के पास चली हाँ गई। ठीक है, छोटी चिड़िया, वो एक चिड़िया की बच्ची थी। हाँ देखिए इस पार्ट में क्या है, इसमें ये है कि चिड़िया, अच्छा इससे पहले माधवदास पूछता है कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं घर पे, तो चिड़िया बोलती है दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। देखो उसने, आप देखोगे कि चिड़िया हर सेंटेंस में बोल रही है कि मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरी राह देखती होगी, मतलब वो एक मिनट भी वहां पर नहीं रुकना चाहती हाँ है। और बार बार ये सेठ मैम, माधवदास उसको प्रलोभन दे रहा है। हाँ मैम, तो फिर वो बोलते हैं, माधवदास बोलते हैं कि हाँ, चले जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मन मतलब लाइक इवनिंग टाइम और समथिंग, द लाइट इज स्टिल देयर। यस, द लाइट इज स्टिल हियर, उजेला है मतलब अभी तो, अभी दिन है, उजाला मतलब अभी तो लाइट है। उसके बाद तो वो खुश हो रहे हैं कि दो बहन एक भाई है। अच्छा आप बताओ कि वो क्यों खुश हुआ होगा जब चिड़िया ने कहा कि उसके दो बहन एक भाई है। तुम तो मैम, दो बहन, एक भाई। मैम, और लाइक मे बी ही माइट गिव द अलर्ट टू द लाइक हिज बहन एंड भाई। No, means he might get a chance to catch all three of them as well. ओ ठीक ठीक है, मैम, पर चिड़िया के मन में जाने की चैन नहीं था। चैन नहीं था मींस क्या? she didn't like or something. She was restless. ओके उसे माधवदास की बातें सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो अलर्ट हो गई, वो चौकन्नी हो गई और चारों ओर देख रही थी कि वो कैसे वहां से निकलने की कोशिश कर सकती है। तो उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। हम सेठ कैन ने स्पीक अ कहा, बिट कांट कांट हियर मी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, इज दिस ओके नाउ? यस ओके। तो सेठ फिर दोबारा बोलता है कि अभी देर नहीं है, अभी उजेला है, मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। स्टिल वो चिड़िया से बातें की कोशिश कर रहा है, चिड़िया को बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दो हाँ मैम, रीजन से, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं बताइए। मैम, लाइक यू आर आस्किंग लाइक व्हाई द बर्ड इज स्टेइंग, राइट? आई मीन लाइक व्हाई द मैन वांट्स द बर्ड। हिंदी में बोलिए। मैम, लाइक ओके, सो लाइक वो आदमी चिड़िया को देखकर बहुत
खुश हो जाते थे और लाइक चिड़िया जब इस बगीचा में चिड़िया है वो माधवदास के एक टाइम पास है वो है। हाँ मैम ठीक है तो सेठ उसको बातों में फंसाने की कोशिश इस वजह से कर रहा है कि चिड़िया पहली बात कि चिड़िया उससे अट्रैक्ट हो जाए शी गेट ल्योर्ड और वो वहीं पर रुक जाए उसके बगीचे में। दूसरा रीजन कि वो चिड़िया को बातों में फंसा कर जैसा उसने अपने नौकर को बोला हुआ है अपने दास को बोला हुआ है वो दास चिड़िया को पकड़ ले है ना वो बातों में रहेगी और सेठ का दास चिड़िया को पकड़ लेगा और फिर वो उसे पिंजरे में बंद कर देगा। also, like, वो चिड़िया डर लगे और वो चिचाए और एक जा मुरी चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है माँ मेरी दूर है रात हो जाएगी तो राह नहीं सो जाएगी। स्टिल चिड़िया बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है मुझे घर जाना है रात होने वाली है और अगर रात हो जाएगी तो अंधेरे में मैं घर का रास्ता पता नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इतने में चिड़िया को बोध हुआ यानी क्या I'm tired. Tired? Yeah. No. बोध यानी ज्ञान. She get to know. उसने जाना उसे पता लगा ऐसा. ठीक है. इतने में उसे पता लगा कि एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया वह चीख देकर चिची आई और एकदम उड़ी जैसे उसे लगा कि कोई उसे टच कर रहा है वो चीखी और एकदम उड़ी और उसकी वजह से वो नौकर के पंजे में नहीं आ सकी लाइक नौकर का पंजा टच दैट और वो उसको उस एस्केप कर गई वो बचकर उड़ गई। हाँ मैम तब वो कंटिन्यूस उड़ती रही और जाकर अपनी माँ की गोद में गिर गई हाँ वहां जाकर सुबकने लगी रोने लगी एक तरीके से। हाँ मां फिर माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर उसको टाइटली हग किया और पूछा क्या है मेरी बच्ची क्या हुआ पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई बोली कुछ नहीं बस सुबकती रही ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा यानी Yes, and that's what I'm asking. I was about to ask. Means console, एक तरीके से. Oh, to make her feel better or something. Yes. और तब पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सो गई जैसे अब पलक ना खोलेगी मतलब वो इतने डर गई थी कि वो अपनी माँ की गोद में बहुत देर तक रोती रही और बहुत देर बाद जब उसे ढांढस बंधा जब वो थोड़ी रिलैक्स हुई जब वो थोड़ी शांत हुई तब वह माँ की छाती में ही चिपक कर सो गई और ऐसे सोई जैसे पलक ना खोलेगी मतलब बहुत थक कर बहुत परेशान होकर वो माँ के पास सो गई। हाँ मैम ठीक है। हाँ मैम ओके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपने किया होमवर्क मैम आई फॉरगॉट टू डू द होमवर्क हाँ हाउ कैन यू मैम कैन आई डू इट दिस वीक एंड आई विल सेंड इट टू यू Why
like you haven't done any questions or any words or nothing. Yes, ma'am. Can I do it? Ma'am, can I do it? This week and I'll send you. Mm. Of course. Let's do questions. Yes, ma'am. किन बातों से ज्ञान ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपदा से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था. मैम संपदा मींस लाइक इट वाज हरा भरा लाइक संपन्नता मींस प्रॉस्पेरिटी संपन्नता मींस लग्जरी. Okay. इस बातों में ज्ञात होते हैं कि माधवदास का जीवन संपदा से भरा था कि मैम लेट मी जस्ट सर्च फॉर आंसर. सर्च फॉर आंसर. राइट इट डाउन. And then tell me. Okay. हम इस बात से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था कि वे अपनी संगमर की नई कोठी बनवाई है और कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और हाँ मैम दैट्स ऑल. That was the answer to the first part. Mm-hmm. The second part I'm telling. Mm-hmm. हम इस बात से ज्ञात होते हैं कि वह सुखी नहीं था. कि वे पूछ रहा है कि बता रहा है कि उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है और यस मैम दैट्स ऑल बिकॉज I think that's all the answer. देखो जिन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था वे हैं कि उसके पास एक बड़ा महल था, संगमरमर की बनी हुई कोठी थी, एक बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे. मतलब उसके पास हर सुख सुविधा, उसके पास एक नौकर भी था, उसके पास हर सुख सुविधा के साधन थे. लेकिन
इसके बावजूद भी वह सुखी नहीं था, क्योंकि सारी धन संपदा होते हुए भी वह एकदम अकेला था। अकेला means alone. Alone. उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था, तो उसका मन खाली खाली रहता था। ठीक है? हाँ मैम। आप लिखिए ये आंसर अभी। ओके मैम। मैम यू आर गोना राइट इट? नो, यू आर गोना राइट इट इन योर नोटबुक एंड देन सेंड मी। ओके जस्ट वन सेकंड। You write down Roshni. I'm coming in a minute, okay? Okay, ma'am. Thank you.
Done. Yes, sir, I'm sending it. Okay. Yes, so I sent it in Gmail. Very good. मन काली काली नहीं, मन खाली खाली था. हेलो. यस मैम. कैन यू सी? यस मैम, दैट्स व्हाट आई रोट. उसका मन खाली खाली था. यू रेड काली काली था. Then, ma'am, then what's the word? Kha, khargosh wala. Oh, khali, khali. Okay, ma'am. Dekhi, few grammatical mistake. Let me correct okay. you.
सबसे पहले तो आप लिखिए कि इन बातों से ध्यान होता है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें हैं। ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। कि देखो अब वे की जगह यहाँ आएगा उन्होंने। ओके अगर आप वे लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा वे अपनी संगमरमर की नई कोठी में रहते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा की लगवाया, की नहीं भी लगवाया है। कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे में गलीचे पर बैठते हैं। इसके साथ उसका नहीं, उनकी मदद करने, मदद करने में नहीं आएगा। एक नौकर है लेकिन उसके पास सब ओके पास उसके पास सब थे लेकिन वह सुखी नहीं था। उसके पास सब था लेकिन वह सुखी नहीं था क्योंकि में य के ऊपर बिंदी आती है रोशनी। या मैम, क्योंकि वह अकेला था और बात करने के लिए कोई नहीं था। मैंने बात करने के लिए कोई नहीं था, उसका मन खाली था। ठीक है, रेस्ट इज गुड, द आंसर इज वेरी गुड। ओ थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि वह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए मैम, निस्वार्थ मन का मतलब क्या है? निस्वार्थ का मतलब होता है सेल्फलेस, जिसके देखो स्वार्थ यानी जो सेल्फिश हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, और निस्वार्थ जो सेल्फलेस हो, जो सबके बारे में सोचे, जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे सबके बारे में सोचे, वो हो गया निस्वार्थ। एंड इन लेस देन 1 मिनट क्लास इज गोना ओवर, यू हैव टू रीजॉइन द क्लास। माधवदास बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है क्योंकि वह अकेला था और बात करने के लिए कोई नहीं था। और